उत्तर प्रदेश में मनचलों के हौसले बुलंद है और मानो उनके मन में पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया। मामला बुलंदशहर का है, जहां बुलंदशहर में अमेरिका से लौटी होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी की मनचलों की छेड़खानी से बचने के दौरान सड़क हादसे में मौत हो गई। दरअसल कोरोना संक्रमण काल में अपने घर लौटी सुदीक्षा अपने रिश्तेदार के पास जा रही थी। वो चाचा के साथ बाइक पर बैठी थी, तभी रास्ते में ही बुलेट सवार कुछ शोहदों ने छेड़खानी शुरू कर दी। इस दौरान आरोपी युवक बार बार बाइक को ओवरटेक कर रहे थे। उसी दौरान मनचलों से बचने के चक्कर में गाड़ी गिर गई और सुदीक्षा की मौत हो गई। सर, वो पढ़ने में बहुत होशियार थी, बहुत होनहार लड़की थी, वो एक आम लड़की नहीं थी। और उसने छठी क्लास से बारहवीं क्लास तक विद्या ज्ञान स्कूल से पढ़ाई की। बारहवीं क्लास में उसने बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, 500 में से 498 नंबर थे उसके। फिर उसका उसको स्कॉलरशिप मिली बेबसन कॉलेज से, यूएसए में बेबसन कॉलेज है, वहाँ से करीब 4 करोड़ समथिंग। तो वहाँ उसके 2 साल अभी हो चुके हैं पूरे ग्रेजुएशन के, 2 साल अभी और बची हुई थी। वो कोरोना की वजह से गाँव आई हुई थी, वो 14 मार्च को आ गई थी और अभी 20 अगस्त को जाने वाली थी। सर जी, हादसे करना था सर, वो अपने सत्येंद्र भाटी हैं, उनके दूसरे चाचा हैं, अपने चाचा के साथ वो अपने मामा के यहाँ जा रही थी और बुलंदशहर से थोड़ा आगे जैसे चली, थोड़ा देहात क्षेत्र था, तो वहाँ कोई बुलेट पे 2 लड़के थे, वो कभी आगे कभी पीछे ऐसे परेशान करने लगे। इन्होंने थोड़ा बाइक को आगे तेज़ किया तो उन्होंने और तेज़ किया, इन्होंने स्लो किया तो उन्होंने ओवरटेक करके आगे एकदम से ब्रेक लगा दिए। इन्होंने जैसे बाइक रोकने की कोशिश की तो बाइक डिसबैलेंस होकर के टक्कर लग गई, जिसमें वो पीछे की तरफ गिर गई। गिरने से सर में अत्यधिक चोट आने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। सुदीक्षा भाटी ने साल 2018 में इंटरमीडिएट में बुलंदशहर जनपद को टॉप किया था, जिसके बाद HCL की तरफ से 3,80,00,000 रुपए की स्कॉलरशिप दिए जाने के बाद सुदीक्षा अमेरिका में उच्च शिक्षा ग्रहण करने चली गई थी। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात बाइकर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। सुदीक्षा नाम की एक लड़की अपने चाचा के साथ अपने मामा के गांव जा रही थी, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, एक बुलेट मोटरसाइकिल से उसके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और जिसमें सुदीक्षा की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो मोटरसाइकिल वाला था जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसकी तलाश की जा रही है, विवेचना की जा रही है। गौतम बुद्ध नगर के दादरी की रहने वाली सुदीक्षा भाटी एक होनहार छात्रा थी। वो स्कॉलरशिप पर अमेरिका के बॉबसन में पढ़ाई कर रही थी। सुदीक्षा को 20 अगस्त को अमेरिका वापस जाना था, लेकिन उससे पहले ही मनचलों के आतंक ने उसकी जिंदगी ले ली। वह इस घटना के बाद अब फिर से प्रदेश की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। गाजियाबाद के विक्रम जोशी हत्याकांड के बाद सुदीक्षा भाटी की मौत कानून व्यवस्था की जमीनी हकीकत बयां कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बुलंदशहर से इकबाल और ग्रेटर नोएडा से ललित पंडित की रिपोर्ट।